चालीस क्या कहते हैं नॉइस प्लस फोर में है ना। नमस्कार दोस्तों, सर्परक्षक परिवार में आपका फिर से स्वागत है। हम अभी पहुंचे हैं जंगलों में। दोस्तों देख सकते हैं आज हमारे पास बहुत सारे सांप हैं। ये सिर्फ कल शाम से लेके अभी तक के, अभी समय हो रहा है 4 बज रहे हैं, और कल शाम से लेके अभी तक के जितने सांप हमने रेस्क्यू किया था उसको यहाँ जंगल हम छोड़ने आए हैं। आज हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, तो बने रहे वीडियो के साथ में। एक एक सांप को छोड़ते हैं और उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं इंडियन कोबरा, इसको रिलीज कर रहे हैं हमारे समिति से आर्यन दुबे। देख सकते हैं दोस्तों, इसी को ही बोला जाता है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। और ये है दूसरे नंबर का इंडियन कोबरा, देख सकते हैं बहुत ही अग्रेसिव और गुस्सेल मूड पे। तो इसी के साथ ही दोस्तों दो इंडियन कोबरा का रिलीज देख चुके हैं, अब तीसरे नंबर में भी इंडियन कोबरा है। बने रहे वीडियो के साथ में, वो भी आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 4 इंडियन कोबरा को एक साथ हम निकाल रहे हैं। अब है पीछे भी ध्यान रखना, वो भी बना रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों इंडियन कोबरा की यही पहचान होती है कि इसके फन होते हैं, हुड होते हैं, और इसी फन के पीछे बना रहता है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब होता है चश्मा, इसीलिए इस सांप को स्पेक्टिकल इंडियन कोबरा बोला जाता है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल मूड पे है ये इंडियन कोबरा। बाकी लोग तो सब अपना अपना चले गए हैं, और एक इंडियन कोबरा को ये भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, और जय भाई इसको हैंडल कर रहे हैं। ये अच्छा, वो उसका वेट इतना है। इसी के साथ ही दोस्तों अब इस इंडियन कोबरा को भी जाने देते हैं, और आगे आपको और भी सांप दिखाते हैं। बहुत इसी के साथ ही दोस्तों ये वाला इंडियन कोबरा पेड़ के ऊपर जा रहा है। बने रहे वीडियो के साथ में, आपको और सांप दिखाते हैं। तो दोस्तों सब सांप को हम अलग अलग जगह छोड़ते हैं, क्योंकि छोटे बड़े प्रजाति के होते हैं तो एक सांप दूसरे सांप को खा लेता है, इसलिए हर सांप को हमको अलग अलग जगह तरफ छोड़ना पड़ता है। बने रहे वीडियो के साथ में, हम और दिखाते हैं आपको सांप। और भैया के हाथ में आ चुका है बैंडेज कर रही है, और इसी को निकाल रहे हैं। देख सकते हैं सांपों का राजा अरिराज बैंडेज कर रहे हैं, और उड़िया में इसको रना बोलते हैं। तो हमारे इस एरिया में उड़िया कल्चर वाले भी बहुत हैं, तो इस नाम से इसका मेन नाम अपने को जानकारी रखना जरूरी है। रना मतलब दो कलर वाला सांप, तो ये दो कलर वाला, और हम इसको ट्रैफिक वाला सांप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक की जो पट्टियां होती है काली पीली, ये वैसा ही होता है। तो ये है सांपों का राजा अहिराज। तो भारत का सबसे ज्यादा जहरीला सांप यही है। उनको मारने के लिए इसका 6 mg जो है काफी है, और करत प्रजाति जो है ना, 6 करत प्रजाति के जो वेनम होते हैं उससे 6 mg से एक इंसान की मृत्यु हो सकती है, और ये लगभग 20 से 22 या 25 mg तक का ये एक बाइट में जो है ना, एक बाइट में करता है। हाँ, एक बाइट में उतना डोज ये इंजेक्ट करता है।
इंसान के शरीर में, मतलब मान सकते हैं। इसके बाइट करने के बाद कितनी देर अपने पास समय रहता है? एक से दो घंटे के बीच में, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ज्यादा मतलब घबराता है, भाग दौड़ करता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ता है, तो उसके पास समय कम रहेगा। लेकिन अगर वो ध्यान देगा और करेगा नहीं, आराम से हॉस्पिटल जो प्राथमिक लेवल होता है, तो नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल पहले पहुंचे। कई केसेस में क्या होता है, सरकारी हॉस्पिटल में इंसान को अगर टाइम हो गया है और सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर वगैरह है, तो इसको एक बार देखना तुम्हें। तो ये इसका पूंछ, इसमें कहीं कोई किसी छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसमें कभी भी कांटा नहीं होता है। बस इसका पूंछ अपेक्षाकृत थोड़ा मोटा होता है बाकी सांपों से, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा लचीला होता है, रबड़ जैसा होता है। तो ये बहुत कम, ये बहुत शांत प्रवृत्ति का सांप को रिलीज करते हैं यहीं से। इसको जाने देते हैं, बहुत ही प्यारा। भाई बताएंगे, यहाँ सांप छोड़ने आया, अभी गर्मी और उमस हो रहा है, तो उसके कारण सांप निकलते भी होंगे, तो क्या है अभी? अभी डेली के कम से कम 30 से 35 कॉल आ रहे हैं हमारे पास में, और जितना ज़्यादा संभव हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। सदस्य क्या है, सारे जॉब में रहते हैं और वहाँ से समय निकाल के वो लोग जाते हैं रेस्क्यू के लिए, तो 10-12 कॉल आजकल छूट भी जा रहे हैं, यही स्थिति हमारी हो रही है। तो अभी भवक जितना होता जाएगा, बारिश जितनी होती जाएगी और जितने गरजेंगे बादल, उतने अंडे फूटेंगे और उतने और बड़े बड़े सांप और नए सांप बाहर आएंगे। अब मौसम के कारण अभी शहर में ज़्यादा सांप निकल रहे हैं। हाँ, अभी ये जो सीजन है, अब बारिश के बाद में जो भवक आती है, तो इसकी वजह से अभी सांप ज़्यादा निकलेंगे, और छोटे सांप और करैत जो हैं वो अभी ज़्यादा निकलेंगे। आज भी छोड़ने आए हैं, कितने सांपों को छोड़ा जा रहा है, कौन सी प्रजाति इसमें? सबसे ज़्यादा तो इंडियन कोबरा थे, भारतीय नाग, तो भारतीय नाग बहुत सारे हैं, दूध नाग, गहुआ ये, और सबसे ज़्यादा जो है करैत था, कॉमन करैत है, अहिरा सांप है जो बैंडेड करैत है वो है, और धमना सांप है। तो हर किस्म के सांप जो हैं, रायगढ़ में 22 प्रजातियाँ मिलती हैं, तो उनमें से कम 10 से 12 किस्म के सांप अभी कंटिन्यू मिल रहे हैं। कल से अभी तक में कितने सांप पकड़े गए हैं और छोड़े जा रहे हैं? कल से अब तक का 21 सांप पकड़े गए थे, और अभी 16 सांपों को यहाँ जंगल के अंदर छोड़ा गया है, और बाकी को शहर के आउटर वाला जो एरिया होता है वहाँ पे छोड़ दिया गया। अभी कहीं से कॉल आया है, जाना है सांप के लिए? अभी एक रेस्क्यू कॉल आया हुआ है अपने पे यहाँ अपर कलेक्टर साहब के यहाँ का, तो अभी वहाँ जा रहे हैं, दो सदस्य जो हैं वो वहाँ के लिए निकल गए हैं। तो सर्वशक्ति समिति के लिए अभी सर द्वारा जो डोनेट किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही संजय भैया बहुत ही अच्छे समाज सेवी है, गौ सेवक है, आज हमारी टीम के लिए भी उन्होंने कुछ सोचा, और हमारी टीम को श्री विनीतेश भैया को 3 रेनकोट इन्होंने डोनेट किया है हमारी समिति के लिए, ताकि हमारे जितने भी रेस्क्यूअर हैं, वो लोग, कई लोग ऐसे हैं पानी में भीग के रेस्क्यू करते हैं, जिससे प्रेरित होकर संजय भैया ने हमारी टीम को 3 रेनकोट डोनेट किए हैं। इसके लिए उनको बहुत सारी हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी धन्यवाद और बधाई। ये तो है, वहीं से कनेक्ट हो रहा है।